हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मेरा ब्लॉग चल रहा है, भाई की शादी का ब्लॉग 1 आया है। आज मैं लेके आई हूँ ब्लॉग 2। और आज मेरे चाचा जी के यहाँ लेडीज संगीत है, नई दुल्हन आ गई है, तो बस उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा सबसे आज। क्योंकि जब नई नई दुल्हन आती है तो वो घर में किसी को नहीं पहचानती है, ताकि सबका इंट्रोडक्शन करवा दे जैसे ही सबको आए। तो बस यहाँ पे उसका सबसे इंट्रोडक्शन हो रहा है और सबसे आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है। पहले तो बुजुर्ग से शुरू कर दो भाई, तो ले जाओ। हाँ, रिप्रेजेंट ले जाएंगे ना, कहाँ से भाई से बोलते हैं। चलो 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 शुरू करो। तो सबसे पहले आपके सम्मानित ससुर जी कहे जाएंगे और हमारी लड़का जी भी हैं, मिस्टर आनंद प्रसाद दीक्षित जी। बैठेंगे पापा बाद में करेंगे, पापा नहीं क्या बैठेंगे। इनके पांव छुए, इनके बगल जो ठीक बगल में बैठी है आपकी सासू जी है, जिनको श्रीमती पुष्पा दीक्षित कहा जाता है, नाम भी जानते हैं, भविष्य में काम लेगा। आगरा साइड से आई हुई है, इनसे आप परिचय कर रही हैं। और इसके बाद जो है सबसे इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर गेम स्टार्ट हुआ, और गेम में सबसे पहले यहाँ पे अंताक्षरी हुई थी। दो टीम बन गई थी, एक लड़की वाले की तरफ से और एक लड़के वाले की तरफ से। तो जितनी भाभियाँ थी सब चली गई थी बहू की तरफ, और बहनें हो गई थी भाई की तरफ। अंताक्षरी के बाद फिर पिलो वाला गेम हुआ, जिसके ऊपर पिलो रुक रहा था, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था जो बोला जा रहा था। यहाँ पर सबसे पहले चाचा जी आए थे और उसे कहा गया कि कुछ गाना गाइए, तो वो क्या गए थे आप भी सुनिए। तो देखिए इन्होंने तो पूरा भक्ति का माहौल ही बना दिया था। और देखिए चाची जी ने भी क्या गाया। तो देखिए फिर बुआ जी की बारी आई, उन्होंने भी क्या गाया। तो इस तरह से पूरा माहौल भक्ति का हो गया था। बारी आई मेरी और मैंने भी बस ऐसे डांस कर दिया था। और ये जो डांस कर रहे हैं ये मेरे चाचा जी की बड़ी बहू है। फिर उसके बाद पेयर वाला गेम हुआ था कि आप उसकी पसंद बताइए, आप उसकी पसंद बताइए। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर ने हम दोनों लोग गेम खेल रहे थे। आप तो बैठे तो पता होगा ना, पता होगा कि आदमी क्या बना, तुम्हारे क्या बना हमारे यहाँ। अरे लिख रहे कौन, अरे धीरे आपकी कलियाँ चल रही है इन लोगों पे। अच्छा मामा जी की बेटी, फिर तो बोले कोई इतना। अरे चल भैया ताजा पंडित घूमते हैं, आराम से लेके आया। चल आ गया, आ गया, पहले आ गया, पहले आ गया, पहले आ गया, पहले आ गया। चलो तो ठीक है, सुनो 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 सुनो, इसलिए छोटा छोटा लिखिए सब लोग। नहीं नहीं हम सब 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 उसमें हम लोग इंक्लूड हैं, अपने आप को वैसे बैठा दें। चलिए हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा अब आप अपनी पसंद, आप लिखा ना, अब आप अपनी पसंद बताओ। अगर आपको सबसे अच्छी चीज़ पसंद होती तो क्या होती है? आलू का पराठा और इनकी चीज। नहीं 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 आपको उनका, अरे आप दोनों अपना अपना हरा भैया। चलो क्या सवाल पता था क्या पहले से? और घर से दबाव आ रहा है कि भाई आज तो करना है, तो आदमी सबसे पहले छूटे मान ये बहाना बता देता है कि यार ये आज हमें समस्या, इस वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी कि ये बहाना बता दो, घर में क्या बताते होंगे और आपको भैया अपनी बताना है। जल्दी देखो
कि अगर ये कौन सा बहाना बनाती हूँ, नहीं अच्छा देने का बहाना बना दिया कि आज में ये समस्या है, वो समस्या जल्दी 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 सोचने वाली बात है। आगे वालों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला भी है, तीन चीज ऐसी जो पता है आपको की होगी नहीं होगी कंफर्म, और आपको लिखना है कि इनके बैग में तीन चीज होगी। दोनों बैग सामने ले आ जाइए जल्दी से फटाफट, समझ चेंज हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम जान रहे हैं। ऐसे दिन खिलाड़ी निकल जाएंगे तो बताएंगे कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास तैयारी है पूरी। ये किसका बैग, ये आपका है, इनका बैग कहाँ है, ये अच्छा ठीक है चलो, ये इनका बैग है ना, अरे आप सुन रहे हो, तो इसी तरह कई पेयर आए और गेम खेले। मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहाँ मेरे भाई ने गाना गाया था जिसकी शादी हुई थी। कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, बन जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया। फिर नई दुल्हन ने भी डांस किया। फिर उसके बाद चाचा जी के बड़े बेटे बहू ने डांस किया, पेयर डांस हुआ था। फिर मेरे भाई और मेरी भाभी जी ने भी डांस किया और बहुत ही लाजवाब डांस किया सभी पेयरों ने। करो
सर ये जब तक अच्छे डांस करें तब तक डांस करना पड़ेगा। पकड़ के करा दिया अच्छे भैया, ये जिम्मेदारी आपकी है भाई। चलिए सवाल फिर उसके बाद मेरे दोनों बेटी ने भी डांस किया, बहुत ही अच्छा डांस किया, सभी को बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने डांस कर लिया, उसके बाद फिर ग्रुप डांस हुआ और ग्रुप डांस में सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सभी लोगों ने मिलकर खूब डांस किया, खूब इंजॉय किया। मेरी बुआ जी ने, बुआ जी की बहू, सब लोग और नई दुल्हन तो एकदम खो गई थी माहौल में। उसको तो लग ही नहीं रखा था इतने से कि वो नई नई आई है। सभी लोगों से खूब घुल मिल गई थी और एकदम बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। इसके बाद फिर आप लोग देखिए मेरी बुआ जी और नई दुल्हन का डांस, जोरदार डांस करी दोनों लोग।
तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितना डांस किया, पूरी फैमिली ने डांस किया, बहुत सारे मस्ती की, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर दे रही हूँ और उसके बाद फैमिली फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। बाय।